अध्यक्ष महोदय, राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं और पहली किस्त उनको दे, दूसरी किस्त उनको जब ही दी जाए जब हम उसकी प्रगति से संतुष्ट हों। पठारी क्षेत्र में कृषि की बात आपने कही है, इसकी जानकारी हमारे पास है, हम राज्यों को भी देना चाहते हैं। पशुपालन और मुर्गी पालन के संबंध में बात कही जाती है। कृषि मूलतः राज्यों का विषय है और केंद्र सरकार इस संबंध में योजना बना सकती है, सहायता दे सकती है। काम तो राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा या व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। बिहार में पानी की कमी की बात आपने कही है, मैं स्वयं रांची गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पर इतनी वर्षा होती है लेकिन वहाँ पर जल संग्रह कराने का कोई साधन नहीं है। पानी की कमी पठारी भूमि में होना संभव नहीं है, वहाँ और किसी चीज़ की कमी हो सकती है लेकिन पानी की कमी नहीं हो सकती, यह मैं मानता हूँ। जहाँ तक बिजली को हटाने का संबंध है, सहकारिता के अतिरिक्त इसका कोई रास्ता नहीं है। जब महाराष्ट्र का किसान करता है, बिहार का न करे, उत्तर प्रदेश का न करे, तो वह विडम्बना है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। एक दोष अवश्य है कि महाराष्ट्र में सरकार द्वारा स्वयं उनके साथ होना पड़ता है, जबकि इन राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में सहकारिता कानून को पास कराने में मैं सफल नहीं हुआ हूँ। उसके बाद आपने बीज की पर्याप्त मात्रा की बात कही है, पूसा के बीज की गुणवत्ता गिर रही है, ऐसी बात नहीं है, वे नए नए बीजों को बनाते रहते हैं, उनकी उपलब्धि भी बढ़ जाती है। अगर कोई विशेष चीज़ का नाम आप बतलाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। कृषि मजदूरी की बात आपने कही, मैंने यह बात पहले भी कही कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में 48 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। कई राज्यों में कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कम। ग्रामीण इलाकों में उनकी स्थिति कमज़ोर होने के कारण ऐसा होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जहां वास्तविक मजदूरी 48 रुपये है लेकिन वहां देने पड़ते हैं 80-125 रुपये।